हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल CMA। हम दोस्तों, अगर आप ICMA के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि CMA इंटर एंड फाइनल के June 24 एग्जाम के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। अब अगर आपको नहीं पता रिजल्ट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, तो इस पोर्टल का मैंने डायरेक्ट लिंक आपको पिन कॉमेंट में दे दिया है। आप चाहें तो वहीं पर जाकर सीधा अपने रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि पासिंग परसेंटेज क्या रही है इस बार June 24 के CMA रिजल्ट्स की। तो आपकी स्क्रीन पर एक PDF शो हो रही होगी, इसे ICMA ने रिलीज़ किया है और यहाँ पर लिखा है रिजल्ट एनालिसिस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया हेल्ड इन June 24। तो सबसे पहले ऊपर तो इंटरमीडिएट के दे रखे हैं। इंटरमीडिएट के अगर हम पढ़ें, कैंडिडेट अपीयर फॉर Group 1 ओनली, तो इसका पासिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट 11% है, और Group 2 का पढ़ें तो 28.87%। वहीं बात करें जिन स्टूडेंट्स ने बोथ ग्रुप के एग्ज़ाम दिए थे लेकिन किसी एक ग्रुप में पास हुए हैं, उनका परसेंटेज थोड़ा सा कम है, 8.66% है, और जिन्होंने बोथ ग्रुप पास किया उनके 16.55% है। इन टोटल बात करें तो 4,866 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने CMA इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करने पर इसके नीचे अब फाइनल के भी रिजल्ट एनालिसिस दे रखे हैं। फाइनल की अगर बात करें तो कैंडिडेट अपीयर और Group 3 ओनली, तो लगभग 8,600 लोगों ने एग्ज़ाम दिया जिसमें 1,250 लोग पास हुए, यानी परसेंटेज है 14.38। ओनली Group 4 की बात करें तो इसका भी 14 है, लेकिन जिन्होंने बोथ ग्रुप दिए और वो पास हुए किसी एक ग्रुप में, तो उसका परसेंटेज देख सकते हैं काफ़ी कम है, 8.6% है, और जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया और बोथ ग्रुप में ही पास हो गए उनका परसेंटेज है 11.22। इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो टोटल 1,315 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने CMA फाइनल का एग्जाम क्वालिफाई किया है और वो क्वालिफाइड CMA बन चुके हैं। अब CA इंटर और फाइनल का भी पासिंग परसेंटेज देख लेते हैं ऑफ लास्ट टर्म ऑफ एग्जामिनेशन। आपकी स्क्रीन पर जो डेटा शो हो रहा है ये ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। अगर बात करें Group 1 की, ये इंटरमीडिएट का मैं बता रहा हूँ, Group 1 की बात करें तो 27.15% बच्चे पास हुए हैं, Group 2 की बात करें तो 18.28, ये काफ़ी हायर है CMA से, और बोथ ग्रुप की बात करें तो 18.42% बच्चे पास हुए हैं। वहीं अगर मैं फाइनल की बात करूं तो Group 1 का हम देखें, इसमें ऑलमोस्ट 27.35% बच्चे पास हुए हैं, Group 2 का है 36.35, और बोथ ग्रुप की बात करें तो 19.88% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इन कंक्लूजन बात करें तो 20,446 लोगों ने CA फाइनल के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो दोस्तों, इस कंपैरिजन का मतलब किसी भी कोर्स की वैल्यू को डिमीन करना नहीं था, बल्कि ये बताना था दैट CMA इज ऑल्सो इक्विवेलेंट एज मच एज CA। और दोस्तों, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।